So welcome back to my YouTube channel, welcome back to another video. So guys, finally मैंने आप लोगों की डिमांड पर फ़ोन से वीडियो बनाने का डिसीजन ले लिया है. और जो क्या है, जो मेरा SJ6 Legend वाला फ़ोन है, SJ6 Legend वाला मेरा जो कैमरा है उसको मैंने एंगल चेंज करने के लिए यूज़ कर लिया है. यहाँ पर मैं आपको, आप मुझे देख पा रहे होंगे. सो यहाँ पर मैंने आज थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया है कि मैं आपको अलग अलग एंगल से वीडियोस बना करके भी दिखा पाऊँ. सो जब मेरे पास एक्स्ट्रा कैमरा पड़ा हुआ है तो क्यों ना उसको यूज़ किया जाए. सो दैट्स व्हाई ये थोड़ा सा मूव ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि क्या है ना, अभी ये नया नया मैंने माउंट किया है इस पर, तो वाइब्रेशन भी चेक हो जाएंगी, वीडियो स्टेबलाइजेशन भी चेक हो जाएगी उसकी. सो अभी आपको जो वीडियो कई बार बीच बीच में मैं उसकी भी दिखाऊंगा और अपने इस एक्शन कैम फ़ोन की भी दिखाऊंगा. सो आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है यार, बढ़िया वीडियो बन रही हैं आजकल. और अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखो. और वो कुतुब मीनार देखो भाई, वो दिख रहा है ना इतना लंबा चौड़ा. तो आज का जो है ना, ये देखो मिरर कहाँ जा रहा है आज मेरा. देखो पहले मिरर मुझे सेट करने दो, एक मिनट. हाँ दिख रहा है थोड़ा सा नीचे. यार आज मिरर क्यों सेट नहीं हो रहा, आज मिरर कहाँ जा रहा है मेरे भाई. रुको, मेरे को यहाँ मिरर सही दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा है ना. हाँ ठीक है, अब आपको सही दिख रहा है. अब ये वाला भी नीचे करना पड़ेगा, ठीक है. सो गाइस, आप लोगों का सपोर्ट दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा करके दोबारा से मैं बैकअप आ रहा हूँ, मूव ऑन हो रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर. बिकॉज़ जो बीच में ब्रेक हो गया था ना, उसकी वजह से सारी ऑडियंस जो है मेरी पिछड़ गई थी, लोगों ने देखना बंद कर दिया था. बट कोई बात नहीं, अब दोबारा से आ रहे हैं चैनल पर. और डिसीजन लिया है मैंने यार कुछ, कि यार वीडियो डेली नहीं बनेगी, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको वीडियो मिल जाया करेगी. बिकॉज़ क्या है, और टाइमिंग भी मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि यार रात को मैं वीडियो अपलोड करता था तो वीडियो ज़्यादा लोग नहीं देखते थे. तो अब जो है मैं थोड़ा दिन में वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूँगा. और आप लोगों को मेरे चैनल पे क्वालिटी का भी फ़र्क मिलेगा और वीडियो का भी फ़र्क मिलेगा आप लोगों को. बाकी कैमराज वगैरह मैंने काफ़ी सारे माउंट कर लिए हैं, अब लोग नोटिसेबल देखेंगे तो ज़रूर ही देखेंगे. निकल जाए मेरे भाई, हॉर्न क्यों देते, पता नहीं लोगों के पास हॉर्न है तो फालतू के हॉर्न बजा के क्या मिलेगा इनको. ओके, तो फाइनली पहली बार मैं दो कैमरेज के साथ वीडियो को शूट करने की पॉसिबिलिटी कर रहा हूँ, वरना इससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया इस चीज़ का. तो थोड़ा डर भी है कि यार कोई खींच के ना ले जाए इस कैमरे को, बट रिस्क ले रहे हैं आप लोगों के लिए. और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, टाइम जो हो गया है 3:52 हो गए हैं, आप लोग देख पा रहे हो. और आज एंगल जो है बहुत बढ़िया मिल रहा है मुझे. और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ महिपालपुर. अब अभी मैंने जो है खाना भी नहीं खाया मेरे भाई, आजकल काम का थोड़ा सा ऐसा लोड चल रहा है ना तगड़े वाला, क्या ही कहा जाए कि टाइम ही नहीं मिलता खाना वाना खाने का. और व्लॉग बनाने का तो यार मेरे को टाइम निकालना पड़ रहा है और निकालना पड़ेगा, बिकॉज़ मुझे कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ होना पड़ेगा. और अगर मैं टाइम नहीं निकालूंगा तो आप लोग यार पता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाएगा, तो कुछ हो ही नहीं सकता. सो सही है यार, टाइम निकालना ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए टाइम बनाना पड़ेगा, टाइम के साथ आपको सेट होना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप पीछे रह जाएंगे. सो अब जो हमारे चैनल पर है, इस बार संडे की राइड सोच रहा हूँ या तो मैं स्किप कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे संडे हो गए हैं और बहुत सारी जगह जो है रिपीट हो चुकी है. अगर कुछ मुझे यूनिक मिलता है चैनल के अंदर तो मैं कुछ बनाऊंगा, अदरवाइज़ मैं रिपीट नहीं करने वाला. इस संडे को मैं शायद स्किप कर दूं, अदरवाइज़ देखो क्या बनता है. अगर कोई यूनिक जगह मिलती है, यूनिक ग्रुप मिलता है तो संडे की राइड हो जाएगी, अदरवाइज़ तो देखो यार कैसे बनता है क्या बनता है. और लॉन्ग राइड का चल रहा है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे का जो है हमारा जो है थोड़ा लॉन्ग राइड का प्लान चल रहा है. तो दो चार जगह है, एक तो सोची है हमने हरिद्वार ऋषिकेश, क्योंकि वो अच्छा बहुत अच्छा ट्रैक है वहाँ चलाने के लिए अपने लिए, ऋषिकेश साइड पे, तो वहाँ का हो गया. और दूसरा जयपुर सोच रहे हैं, या फिर अपना ये हो गया आगरा हो गया. तो ये तीन चार जगह है, कमेंट करके बताना कौन सी ज़्यादा बेटर जगह है घूमने लायक. सो वहीं का हम लोग ट्रिप बना लेंगे और निकल जाएंगे. आज तो है धूप तो नहीं है, थोड़ा फॉगी सा फील हो रहा है, बट क्या है कि देखो कितना तेज़ जा रहा है. और क्या है कि गर्मी पूरी पड़ गई है, अब गर्मी जो है अभी दिन में जो है 26-27 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है आराम से. तो गर्मी तो भैया फुल हो चुकी है, अब गर्मी की तो लगा लो अब
दिन में जो होगा पूरी पूरी गर्मी है, वो देखो हाफ स्लीव पंदा पहन के घूम रहा है, तो गर्मी तो पूरी आ गई भाई। बाकी अब आपको जो है ब्लॉग एक दिन छोड़ के एक दिन मिलेगा, बाकी मिलेगा तो ज़रूर मिलेगा, संडे का भी मिलेगा, बट इस संडे का देखो कैसा होता है, क्या प्लान बनता है, उसके हिसाब से हम जाएंगे। और फ़ोन से बना रहा हूँ, आदत डाल रहा हूँ धीरे धीरे। बाकी गोप्रो लेने की भी प्लान है, बट अभी नहीं है, थोड़ा सा जब तक मेरे सब्सक्राइबर और आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा और नहीं बढ़ जाता ना, तब तक मैं, अगर आप लोगों ने 3000 सब्सक्राइबर करा दिए ना मेरे भाई, 3000 सब्सक्राइबर होते ही मैं गोप्रो पे स्विच कर जाऊँगा, ये मेरी आपसे वादा है, श्योरिटी है। ये आप कुछ भी लिखवा लो, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, मैं 3000 होते ही कहीं से 8 या 9 पे स्विच कर जाऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है ना मेरे भाई। तो आप लोगों का पहली बात तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरा ये नया एंगल किस तरीके का लगा आप लोगों को। अगर आपको एंगल ये अच्छा लगा तो इसको मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, आगे ट्रैफिक जाम आ गया है, सो लेट्स सी। मेरा मन तो नहीं है कि मैं ट्रैफिक जाम के अंदर इसको री कैरी ऑन करूँ वापस लगाने का, बट देखते हैं कैसे बनता है और क्या बनता है, तो करते हैं जुगाड़ कुछ ना कुछ। ओ भाई ट्रैफिक जाम आ गया, आप ट्रैफिक जाम में भी थोड़ा सा ले लेते हैं मज़े की, इसका कैसा इसका रिव्यू आता है आगे वीडियो का। भाई ये देखो बिल्कुल हैंडल टू हैंडल दिख रहा है मेरे को, आज क्या बात है, आज का जो मेरा व्यू आ रहा है ना यार, फ़ोन से जो व्यू आता है सही में यार मज़ेदार वाला आता है, वो मेरे को ये दे नहीं सकता एक्शन कैमरा, ये वाला नहीं दे सकता। इसके लिए मुझे पता है क्या, एक जुगाड़ है, कर तो मैं इसको भी सकता हूँ, सब कुछ वैसा ही दिखेगा जैसा इस फ़ोन में दिख रहा है, बट मुझे इसको ना मेरी चेस्ट पर माउंट करना पड़ेगा, चेस्ट माउंट लेनी पड़ेगी, और चेस्ट माउंट लेने के बाद ही ये मेरे को सेम एंगल दे देगा जो अभी मेरे को ये एट दिस टाइम फ़ोन में दे रहा है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। रेंज रोवर देखो भाई साहब क्या धूल खा रही है, क्या बात है यार, पीछे एम्बुलेंस आ रही है भाई, रास्ता देना पड़ेगा, कोई बात नहीं भाई। ट्रैफिक जाम बहुत लंबा है, ट्रैफिक से निकलने के बाद ना वीडियो को एंड करूँगा, बिकॉज अभी मैं यहाँ रुक गया तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मेरे एक्शन कैमरा के अंदर भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन चुकी है अभी। चलो निकलो 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 निकलो, वो तो बल्कि फील होता है यार हेलमेट पे लगाने पर ना, बट कोई बात नहीं सह लेंगे थोड़ा सा, इतना तो सह लेंगे, कोई बात नहीं भाई। एम्बुलेंस आ गई, कब होगा ये ट्रैफिक जाम खत्म, कितना लंबा ट्रैफिक जाम।